आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे साथ हैं पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जोगिंदर कवाड़े सर। प्रोफेसर जोगिंदर कवाड़े सर अपने आप में एक ऐसा नाम है कि जो आंदोलन की दुनिया में एक ऐसे आंदोलन से जुड़ते हैं जो लॉन्ग मार्च के नाम से हम सबसे परिचित होता है, और लॉन्ग मार्च के प्रणेता के रूप में प्रोफेसर जोगिंदर कवाड़े सर की अपनी पहचान है। आज प्रोफेसर कवाड़े सर से ये बातचीत करेंगे देश के उन मुद्दों पर भी जो बड़ी ही चर्चा में है और जिस पर रिपब्लिकन पार्टी की अपनी भूमिका क्या बनती है। साथ ही इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि जिस विषय पर बड़ा कंफ्यूजन है उन बौद्धों में जो बौद्ध 1956 के बाद धर्मांतरित हुए हैं, मतलब जो समुदाय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ नागपुर में धम्म क्रांति के साथ जुड़ा था, तो उस समुदाय के पास जो कंफ्यूजन है सेंसस 2021 के संबंध में, तो इस पर थोड़ा बातचीत शुरू करते हैं। सर कार्यक्रम में आपका स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सर बात यहाँ से मैं सीधे जानना चाह रहा हूँ, लोगों में हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है और बहुत सारे लोगों का ये कहना जो है वो कहीं एक दिशा में नहीं है, लोग अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि 2011 का भी सेंसस हमने देखा, उससे पहले हमने 2001 का सेंसस देखा और अभी 2021 का सेंसस शुरू होने जा रहा है, और ऐसी स्थिति में उस समुदाय के पास बड़ा कंफ्यूजन है जो 1956 के बाद बाबा साहब के साथ धर्मांतरित हुआ, वो उनके पास में कन्फ्यूज़न ये बनता है कि वो अपने कैटेगरी के कॉलम में क्या लिखे, अपने कास्ट के कॉलम में क्या लिखे, अपने फॉलोइंग धर्म के कॉलम में क्या लिखे, क्योंकि इसके विषय में उनके मन में संभ्रम इसलिए पैदा होता है कि रिजर्वेशन का कुछ मैटर उनके सामने खड़ा होता है और बड़े सामान्य तौर से ये प्रश्न के साथ लोग जुड़ते हैं और फिर ठीक तरीके से उसमें मेंशन नहीं कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए फुले जी, सबसे पहले तो मैं आवाज़ इंडिया न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी, एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आपने ये वार्तालाप शुरू किया जी। जहाँ तक सेंसस का सवाल है जी, 2001 का होगा, 2011 का होगा या आने वाले 2021 को होगा, कन्फ्यूज़न लोगों में नहीं है। हम में से ही कुछ बुद्धिजीवी लोग जो है जी, वही इस प्रकार का संभ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। आम दलित जो बौद्ध बने हैं उनको भ्रमित करने का काम कुछ लोग, इन्हीं गिने लोग कर रहे हैं। मैं 2011 का भी सेंसस देखा है, 2001 का भी देखा है। हमारी झोपड़पट्टी में मेहनत करने वाले हमारे जो बौद्ध है, धर्मांतरित बौद्ध है, उनके सामने कोई सवाल ही नहीं था। जब जनगणना करने वाले कर्मचारी जब हमारे लोगों घर में जाते थे, सीधे बुद्धिस्ट लिखते थे, बौद्ध लिखते थे, जात का सवाल ही नहीं था। बाबा साहब ने धम्म क्रांति की, न भूतो न भविष्यति धम्म क्रांति की, उसका उद्देश्य ही जाति का अंत करने की थी, उद्देश्य था उनका। महाड़ के 14 तालाब से बाबा साहब ने जो क्रांति का बिगुल बजाया, तो नागपुर के दीक्षाभूमि तक ये जो क्रांति जो पहुंची और जो धम्म क्रांति हुई, उसका मकसद ही था मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना हो, समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, ये जो बुनियादी मानवीय मूल्य है इनकी प्रस्थापना हमारे देश में हो। धम्म क्रांति का उद्देश्य भी यही था। जिस जाति मनुवादियों ने जो जाति का राक्षस यहाँ पर निर्माण किया, उसका खात्मा करने के लिए धम्म क्रांति का सहारा बाबा साहब को लेना पड़ा। अब जब धम्म क्रांति हुई, हम तो बौद्ध बन गए, मैं तो नव बौद्ध भी कहलाना अच्छा नहीं लगता मुझे, सिर्फ बौद्ध,
कोई आदमी अगर इस्लाम कबूल करता है तो हम नया मुसलमान तो नहीं कहते उसे, या कोई ईसाई होगा या कोई जैन होगा तो उनको तो न्यू ईसाई, न्यू मुस्लिम, न्यू जैन ऐसा कहा नहीं जाता। फिर नव बौद्ध, ये शब्द पर मेरा आक्षेप है। हम बौद्ध हो गए, जनगणना में, सेंसस में जब भी कर्मचारी आएंगे जो बौद्ध बने हैं उन्होंने धर्म के कॉलम में सिर्फ बौद्ध ही लिखना चाहिए, बाकी कोई लेना देना नहीं है। जाति प्रथा केवल हिंदुओं में है जी, जो हिंदू है वो चाहे कुछ भी लिखे। अभी सर इस सीरीज में हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, लेकिन उन लोगों की ये मान्यता है कि यदि कैटेगरी में जो कि रिजर्व कैटेगरीज है, अगर उसमें रिजर्व कैटेगरी में अगर रिजर्वेशन की कैटेगरी को मेंशन ना किया जाए और उस जाति को मेंशन ना किया जाए, धर्म तो सब लोग एक मत है कि वो लोग अपने धर्मांतरित जो उनका आचरण का धर्म है उसको लिखे, चाहे वो बौद्ध है तो बौद्ध लिखे, हिंदू है तो हिंदू लिखे, या वे सिख है तो सिख लिखे, ये तो वो कहते हैं। लेकिन उनका कहना कि यदि ऐसा न किया जाए तो जो रिजर्वेशन है जो पहले 13% था पॉपुलेशन के हिसाब से, अब वो रिजर्वेशन 8% तक आ गया, पिछली बार वो 9% था, तो ये कैटेगरी में उसका मेंशन ना करने के कारण ये पॉपुलेशन कैटेगरी में कम हो जाता है। आपकी मान्यता कैसी जाती है कि क्या इस तरह का मेंशन ना करना यही ठीक भूमिका है या फिर सिर्फ जाति के साथ जोड़ा जाए? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जी धम्म क्रांति को विफल बनाने की कोशिश इस देश के मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकत करते, विशेष आरएसएस के लोग करते हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि हम बौद्ध अगर लिखेंगे और जात नहीं लिखेंगे तो आरक्षण का जो हमारा परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको आरक्षण प्यारा है या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्यारा है? आपको आरक्षण प्यारा है या बाबा साहब की धम्म क्रांति? आपको आरक्षण प्यारा है या सम्मान और स्वाभिमान प्यारा है? लोग धर्म के लिए प्राण तक दे देते, जान तक दे देते, आज तक का इतिहास हमने देखा है। अयोध्या का आपने देख लिया हो, कई लोग शहीद हुए, कई लोग मरे, दुनिया में धर्म के लिए धर्म युद्ध भी हुए, कई लोग मरे। तो छोटे से आरक्षण के लिए बाबा साहब के धम्म क्रांति को इस प्रकार से नाकाम करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं वो अंबेडकरवादी हो ही नहीं सकते। और इसीलिए हम में से मैंने देखा दूसरे किसी धर्म के लोगों में इस प्रकार की चर्चा नहीं होती, सेंसस में क्या लिखना चाहिए हुई आज तक? ईसाइयों में चर्चा नहीं है, मुसलमानों में चर्चा नहीं है, जैनियों में चर्चा नहीं है, केवल बौद्धों में इस चर्चा क्यों की जाती है? 2001 का सेंसस, 2011 का सेंसस और आने वाला है 2021 का सेंसस, हम में क्यों चर्चा होती है? सेंसस के वक्त में अपना धर्म लिखने के लिए हम बौद्ध है बौद्ध लिखे सवाल नहीं आता। और मुझे तो ताज्जुब इस बात का होता है कि कुछ लोग इस प्रकार का समर्थन करते हैं कि हमारी अगर हमने अपनी कैटेगरी अगर नहीं लिखी, धर्म बौद्ध लिखो, जात जो होगी आपके वो लिखो। अब मुझे पता ही आप जाति को नष्ट करने का प्रयास बाबा साहब ने धम्म क्रांति के माध्यम से किया। अब जो महार नहीं थे, अब चमार होगा, मातंग होगा जी, भटका विमुक्त होगा, पारधी होगा, और लक्ष्मण माने ने बुद्ध धर्म लिया, वो क्या लिखा? बौद्ध और पारधी अपने जात के कॉलम में लिखेगा? हनुमंत उप्रेन है, ओबीसी समाज का है, वो उन्होंने धर्म ग्रहण किया, वो बौद्ध बने, तो सेंसस में क्या लिखना चाहिए उन्होंने, उनके परिवार के लोगों ने? धर्म बौद्ध और जात उनकी जो होगी ओबीसी की वो जात लिखेंगे? कोई मातंग समाज का हमारा भाई अगर बौद्ध बनता है तो क्या लिखेगा वो? धर्म बौद्ध, जात मातंग, या मांग या चमार? तो ये केवल महाराष्ट्र में क्यों होता है? देश के दूसरे राज्यों में ये चर्चा नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र के हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनमें ये चर्चा।
तो एक अब और आपको एक बात बता देना चाहूँ, कुछ तो एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उनकी क्लिप आई, एक ने उनसे पूछा कि भैया अगर ऐसा ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, तो धर्म बौद्ध और जात अपने लिखो, इसका समर्थन उन्होंने किया है। जो लोग इस प्रकार का समर्थन, इसकी बहुत सारी चर्चा भी हुई अपने पिछले भी 2011 के इसमें भी बहुत जी। मुझे ताजुब ऐसा होता है कि सेंसस के वक्त हमारे लोग चर्चा करना पड़ता है कि क्या लिखना चाहिए धर्म के कालम में। एक बात मैं इसी से जुड़ी हुई आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग फिर इस बात के लिए बड़े आग्रही हैं कि ये जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन का आप यदि कैटेगरी को मेंशन नहीं करते हैं तो फिर इसको सिर्फ रिलीजन मेंशन करने के बाद इसका विकल्प क्या देखते हैं, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है। देखिए, क्या बौद्धों ने इस रिजर्वेशन को त्याग देना चाहिए, आपकी भूमिका कैसे बनती है? बौद्ध माइनॉरिटीज में आते हैं जी, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है, जैन माइनॉरिटीज है, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज में आते हैं। और बाबा साहब ने बनाए हुए देश के संविधान में माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ खास इस प्रकार के प्रावधान किए हैं। धनराज डहाट जी ने भी इस प्रकार की बौद्ध अल्पसंख्यक नाम की किताब लिखी है, बहुत ही अच्छी किताब है। तो माइनॉरिटी को जो अधिकार मिलते हैं वो अधिकारों का लाभ बौद्ध ले सकते हैं ना, धर्मांतरित बौद्ध जो है, मतलब उसकी वैकल्पिक व्यवस्था ऐसे देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था की बात ही नहीं है, व्यवस्था ही है संविधान के अंदर में, मतलब इसको इस तरह से देख रहा है। आपका माइनॉरिटी का लाभ उठाइए ना, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी करके संविधान में जो माइनॉरिटी के जो अधिकार दिए हैं वो लाभ बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के लोग भी, बुद्धिस्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट लोग भी माइनॉरिटी के अधिकारों का लाभ, संवैधानिक अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते? आप मुझे एक बात बताइए, मुझे ताजुब इस बात का होता है कि ये चर्चा केवल तथाकथित बुद्धिवादी लोग जी, तथाकथित विचारवंत लोग, इनके द्वारा ये चर्चा फैलाई जाती है। इनके तरफ भी देखना होगा कि ये इनके पीछे के सूत्रधार कौन है। आगे ख्याल आश्चर्य इस बात का होता है, धम्म क्रांति के बाद बाबा साहब ने जो भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी, क्या काम है इनका? बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार, बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करना, और बाबा साहब का बौद्धमय भारत की संकल्पना बाबा साहब ने की थी। 2011 के सेंसस के वक्त भी मीराताई, आदरणीय मीराताई अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो भारतीय बौद्ध महासभा थी, उन्होंने एक हैंडबिल निकाला था सेंसस के बारे में, उसमें लिखा था, आह्वान किया था कि नवदीक्षित बौद्धों ने धर्म बौद्ध लिखना चाहिए, जात अपनी महार लिखना चाहिए, जो भी जात है, मतलब जहाँ से वो आते हैं। मुझे ताजुब इस बात का होता है, और अभी भी वैसे ही निकला। अभी भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष सन्माननीय भीमराव जी अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने भी एक क्लिप वायरल की है, एक उनके पत्रक भी निकाला है कि सेंसस में आप धर्म बौद्ध लिखिए और जात अपनी जो है वो जात लिखिए। मुझे ताजुब इस बात का होता है, ये भारतीय बौद्ध महासभा है या भारतीय हिंदू महासभा है, ये बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली भारतीय बौद्ध महासभा है कि आरएसएस के विचारों पर चलने वाली बौद्ध महासभा है? उन्हें खुलेआम पे करना कहना चाहिए कि बौद्धों ने सिर्फ बौद्ध ही लिखना चाहिए, चाहे आरक्षण रहे नहीं रहे, हमारे सम्मान का सवाल है। लोग कुर्बानियाँ देते हैं धर्म के नाम पर, अगर समझो हमारे बौद्ध धर्म का नाम पर अगर हमें आरक्षण की कुर्बानी देनी पड़े तो उसके लिए तैयार रहनी चाहिए। आगे तो ये जज्बा लेकर अगर हम चलेंगे, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में और एक पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, अगर आप सर्व सामान्य लोगों को जिन्हें इस चर्चा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके पास कार्यकर्ता आएगा वो बड़े ही सामान्य लोग हैं, तो उनके लिए आपका आह्वान क्या होगा? मैं महाराष्ट्र के और देश के तमाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायियों को, जिन्होंने अपना पुराना धर्म त्याग दिया, पुराने धर्म को ठोकर मार दी,
और सम्मान स्वाभिमान इज्जत के साथ जीने के लिए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। जो बाबा साहब के धम्म क्रांति को पूरे देश में फैलाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि किसी भी हालत में जातिवाद को नष्ट करने के लिए बाबा साहब धम्म क्रांति की उसको किसी तरह से कलंकित ना होने दें। आने वाले सेंसस में किसी भी रूप में, चाहे कोई हो, भारतीय बौद्ध महासभा, कोई भी नेता, कोई विद्वान अगर कहे या कोई बुद्धिवादी कहे कि ये लिखो वो लिखो, सीधी सीधी बात है, बाकी धर्म के लोगों को ये सवाल नहीं आता, हमारे लोगों को सवाल क्यों आता है? हमारे लोग चर्चा क्यों करते हैं? मुसलमान लोग चर्चा नहीं करते सेंसस में क्या लिखना चाहिए, ईसाई लोग चर्चा नहीं करते क्या लिखना चाहिए धर्म के कॉलम में, और बहुत सारे लोग ईसाई भी बन गए ना, दलित वर्ग के लोग ईसाई बन गए, लेकिन धर्म लिखते ईसाई लिखते, वो नहीं लिखते ईसाई महार, ईसाई माता, ईसाई चर्मकारी लिखते हैं क्या वो लोग? नहीं लिखते। तो मेरी गुजारिश है, मेरा आह्वान है तमाम बौद्धों से कि आने वाले सेंसस में वो धर्म के कॉलम में सिर्फ बौद्ध ही लिखे, बाकी चीज़ों से कोई लेना देना हमें है नहीं, जात का कॉलम में कुछ भी ना लिखे, वो डैश मारे वहाँ पर, जात का जो कॉलम होगा उसमें डैश मारे, नहीं तो ये जो बदमाश लोग हैं जो जनगणना करने के लिए कर्मचारी आते हैं वो भी उस माइंड के लोग होते हैं, तुम बौद्ध लिख दिया अपने, अगर खाली छोड़ दिया उसको तो कुछ भी लिख देगा वहाँ पर, तो ये भी देखे हमारे लोग कि जात के कॉलम को डैश मारना चाहिए, उसमें कुछ नहीं लिखना चाहिए, इसकी भी तहकीकात हो कर ले। हम बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर जोगिंदर कवाड़े सर से, जो पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये इस बातचीत को यहाँ पर रोकते हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।